वेलकम बैक टू आर चैनल प्रीतम मेकीज व्लॉग। इफ़ यू न्यू टू आर चैनल वेलकम, और अगर आप हमारे फैमिली के मेंबर ऑलरेडी बन चुके हैं तो वेलकम बैक। जैसे कि आप बैकग्राउंड में नज़ारे देख ही रहे हैं, तो अपने कुर्सियों की पेटियां बांध ले, किचन से पॉपकॉर्न ले आए, क्योंकि आज आप हमारे साथ देखने वाले हैं एक ट्रैवल सीरीज। सो एक ट्रैवल ट्रिप होने वाला है फैमिली के साथ में, और हम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीरीज कवर करने वाले हैं बेस्ड इन यूके की ब्यूटीफुल सी कंट्री जो कि है इंग्लैंड, और वहाँ के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शहर जो कि होंगे, शुरुआत करेंगे ऑक्सफोर्ड से। तो देखते रहें, बने रहें, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। आपका क्या फेवरेट पार्ट था वो ज़रूर हमें बताएं। सो गाइस, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे हमारा एक्सपीरियंस एक सुंदर सा शहर जो बसा हुआ है इन द हार्ट ऑफ सदर्न इंग्लैंड, लंदन से सिर्फ ऑलमोस्ट 60 माइल्स की दूरी पर बसा हुआ एक ऐसा शहर जो फेमस है अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। नाम तो आप गैस कर ही चुके होंगे। आज दोस्तों हम शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस ऑक्सफोर्ड, हाँ जी ऑक्सफोर्ड सिटी के ऊपर। तो ये एक्सपीरियंस हमारा था हमारे फैमिली के साथ। तो हम एक फैमिली ट्रिप पर गए थे जब हमने एक्सप्लोर किया इस सुंदर से शहर को। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ट्रैवल टिप्स, जो कि आप कैसे पहुंच सकते हैं, क्या बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होंगे टू गेट टू ऑक्सफोर्ड, और कुछ वर्थ विजिटिंग प्लेसेस। अब जो बिल्डिंग हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, ये 17th सेंचुरी में बनी वो बिल्डिंग है जिसका नाम आज की डेट में या रैडक्लिफ कैमरा या रैडक्लिफ क्लिफ लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। 17th सेंचुरी में ये बिल्डिंग बनी दोस्तों, जब 40,000 पाउंड्स का डोनेशन दिया गया था बाय डॉक्टर जॉन रैडक्लिफ, उन्हीं के नाम पर यह बिल्डिंग बनी थी। एक्सपेंसिव सिटी भी गिना जाता है इन यूके टू लिव। एक एवरेज हाउस प्राइस फॉर अ नॉर्मल टेरेस हाउस कैन ऑलमोस्ट रीच अप टू 1 million इन दिस सिटी। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करी जाए तो आप ये भी नोटिस करेंगे सिटी सेंटर में कि काफ़ी सारे साइकिलिस्ट नॉर्मली इस शहर में आप देखेंगे, बिकॉज ये एक ज़ीरो एमिशन जोन है इन द सिटी सेंटर, जिसका मतलब कि आपके पास अगर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी या इलेक्ट्रिक कार है तो आप एक आपको कोई एक्स्ट्रा ZEZ जोन का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आप यूजुअल पेट्रोल या डीजल व्हीकल चला रहे हैं इन द सिटी सेंटर, आपको ZEZ जोन का चार्ज भी पे करना पड़ेगा आपके ट्रैवल में। हियर कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट दोस्तों, क्योंकि ये जो म्यूजियम था, हिस्ट्री ऑफ साइंस म्यूजियम, मेरा और मेरे फैमिली का सबसे फेवरेट पार्ट था इन आर ऑक्सफोर्ड ट्रिप। हमने यहाँ पर कुछ ऐसी अनोखी चीज़ें देखी जिसे देखकर हम हैरान रह गए। तो चलो देखते हैं हिस्ट्री ऑफ साइंस म्यूजियम। सो मैथ्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को तो ये बहुत पसंद आने वाला है। सो जो ये पहली लकड़ वाली चीज़ देख रहे हो आप, वो एक अर्ली एडिंग मशीन, जो कि आजकल की दुनिया में हम इसे कैलकुलेटर कहते हैं, और जो अब HP का कैलकुलेटर देख रहे हो, ये जो पड़ा हुआ है आपके सामने, वो एक दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटर था, बनाया गया बाय HP। और ये जो ब्लैक कलर के कैलकुलेटर देख रहे हैं, वो भी कैलकुलेटर्स होते थे एक टाइम पर। अब कौन सोच सकता है कि ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जो मेजर करते होंगे डिस्टेंस फ्रॉम हेवन टू द अर्थ। सो ये जो सामने आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, वो यूज़ किया जाता था फॉर एस्ट्रोनॉमिकल रीज़न, टू मेजर द हेवन टू द अर्थ। ना ही सिर्फ यहाँ पर प्रिजर्व की हुई कुछ प्राचीन सी चीज़ें, बट यहाँ का आर्किटेक्चर जो कि म्यूज़ियम का आर्किटेक्चर था, वो भी बहुत ही ज़्यादा देखने वाला था। आप देख ही सकते हैं दोस्तों, जो टिंटेड ब्यूटीफुल ग्लासेस, हाई सीलिंग वाली विंडोज़,
बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर था। अब ये जो सिल्वर आमलेट्स आप देख रहे हैं वो साउथ इटालियन सिल्वर आमलेट्स हैं, जो कि उस टाइम पर वो अपनी फैमिली के वुमेन या चिल्ड्रन को बनाया करते थे टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ईविल आई, जो कि आज की दुनिया में हम कहते हैं कि नज़र ना लगे। अब जब स्कूल के टाइम पर हम प्राइमरी क्लासेस में शेप्स एंड साइजेस वगैरह सीखते थे पढ़ते होते थे, उसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ है? हाँ दोस्तों, यहीं से हुआ है। ये ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह का इन्वेंशन इन्हीं लकड़ के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उनका इन्वेंशन हुआ था दोस्तों। तो ये है दुनिया की सबसे पहली फोटोग्राफ जिसे इन्हें यहाँ पर प्रिजर्व कर रखा गया है। क्या आप सोच सकते हैं? सो गाइस, आइंस्टाइन के ओरिजिनल ब्लैकबोर्ड से लेकर दुनिया के सबसे पहले कैलकुलेटर तक कई सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में प्रिजर्व की गई हैं। सो इट्स डेफिनेटली अ मस्ट विज़िट। अगर आप साइंस लवर हैं तो ये 100% मस्ट विज़िट प्लेस है। तो कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताना कि आपको कैसा लगा इस साइंस म्यूज़ियम का एक्सपीरियंस और आपका फेवरेट पार्ट क्या था। सो फ्रेंड्स, बहुत सारी मेमोरीज़ को अपने कैमरा में कैप्चर करते हुए, अपनी फैमिली के साथ ये ट्रिप एंजॉय करते हुए, जितना मज़ा हमें इस वीडियो को बनाने में आया, आई रियली होप उतना ही मज़ा आपको देखने में आया हो। कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताना कि आपकी फेवरेट साइट क्या थी, आपका फेवरेट मोमेंट क्या था, या आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया इन द साइंस म्यूज़ियम। सो रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। Until we come back with the next video, take care.